नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खाने में अगर अचार ना हो तो खाना अधूरा सा लगता है, और अपने भारत में अचार भी कितने ही तरह के बनाए जाते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं इनमें से ही एक, लेसवा का अचार। इसके लिए मैं ले रही हूँ आधा केजी लेसवा, जिसे राजस्थान में गुंदा भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसे धोकर तोड़ लेंगे। अब इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए पानी गर्म हो चुका है। अब लेसवा को इसमें डालकर 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। लगभग 10 मिनट बॉईल होने के बाद देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और लेसवा ऊपर तैरने लग गया है। अब गैस को करते हैं बंद और इसे होने देते हैं थोड़ा ठंडा। ठंडा होने के बाद मैंने इसे पानी से अलग कर लिया है। अब इसे खट्टा करने के लिए इसकी कांजी डालेंगे। अब एक जार में लेसवा डालेंगे, फिर उसमें लगभग आधा लीटर पानी, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक बड़ा चम्मच राई पाउडर और थोड़ा सा हल्दी डालकर इसे हल्का सा शेक कर देंगे और इसे 2-3 दिन के लिए ऐसे ही रखेंगे। देखिए 2-3 दिन के बाद लेसवा अच्छे से खट्टा हो गया है। अब लेसवा को गांजी से अलग कर देंगे। लेसवा को कांजी से अलग करने के बाद इसे 2-3 घंटा के लिए पंखा के नीचे सुखाएंगे ताकि इसका पानी सारा मर जाए। देखिए लगभग 2-3 घंटा के बाद लेसवा सूख चुका है। अब इसका अचार बनाते हैं। अब लेसवा में 2 कद्दूकस किया हुआ केरी डालेंगे। फिर इसमें 3 चम्मच पिसी हुई सौंफ, 3 चम्मच पीला सरसों दलिया, 2 चम्मच मेथी दलिया, 4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और आधा चम्मच हल्दी डालकर मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे सरसों तेल और काला जीरा, जिसे मैंने पहले से ही गर्म करके ठंडा कर रखा है। मैंने लगभग 250 ml तेल लिया है। चटपटा लेसवा का अचार खाने के लिए तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा या थेपला किसी के साथ भी मजा ले सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।